तो दोस्तों इस ऐप के अंदर आपको महाराष्ट्र बोर्ड के सारे टेक्स्ट बुक मिलेंगे, इन साथ में आपको इसमें नोट्स भी मिलेंगे। जैसे कि अगर आपको कोई चैप्टर्स होता है तो उसके पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ठीक है, तो जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं ना उसका आंसर भी आपको इस ऐप में मिल जाएगा। तो इस वीडियो का पूरा एंड तक वॉच करना, मैं इसमें सारा प्रोसेस बताया है, इस ऐप को आपको डाउनलोड कहाँ से करना है एंड इस ऐप को आपको यूज़ कैसे करना है, मैंने इसमें सारा स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो आप वीडियो को एंड तक वॉच करना, तभी आप सब कुछ समझ पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे सीधा आप इस पेज पर आ जाओगे। इन केस अगर आपका लिंक ओपन नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर सर्च में आओ एंड यहाँ पर सर्च करो MH बोर्ड टेक्स्ट बुक एंड सॉल्यूशंस। आप देख लो ध्यान से, आपको यही चीज़ सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे आप जब सर्च कर दोगे तो देखो यहाँ पर एप्लीकेशन अभी आ रहा है। अगर आपके केस में क्या हो सकता है, एप्लीकेशन यहाँ यहाँ कहीं थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, तो आप ध्यान से देख लेना, आपको इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। आप इसका लोगो देख सकते हो ध्यान से इसको, और यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, MH बोर्ड टेक्स्ट बुक एंड सॉल्यूशन। आप ध्यान से देख लो, आपको इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे फिर आप इसे ओपन कीजिएगा। तो देखो यहाँ पर आपको कुछ तीन ऑप्शन मिलेंगे, बुक, सॉल्यूशन एंड डाउनलोड। मैं आपको सारा ऑप्शन बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से वीडियो को देखना। जो यहाँ पे बुक वाला है ना, इसमें आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी, क्लास वन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक। आपके इसमें तीन मीडियम अवेलेबल हैं, जैसे कि आपको दिखाता हूँ मैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। तो आप जिस भी मीडियम में हो उस पर आपको क्लिक करना है। सपोज़ करो मैं इंग्लिश मीडियम पर क्लिक करता हूँ, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए जितने भी आपके क्लास सेवन के इंग्लिश मीडियम के बुक है इंग्लिश की, तो वो आपके सारे सामने आ चुका है। आपको जो भी बुक डाउनलोड करना है उस पर आपको क्लिक कर देना है। सपोज़ करो आपको साइंस का करना है, तो साइंस के बुक पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो नेट का स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड करता है बुक को डाउनलोड होने में कितना समय लगेगा। अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो फास्ट डाउनलोड होगा, अगर स्लो है थोड़ा स्लो डाउनलोड होगा। ओके, देखो हमारे साथ बुक, हमारे सामने बुक खुल चुकी है, देखो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। आप इसी तरीके से कोई भी सब्जेक्ट का बुक डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको एक और बुक डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, मैं अभी आपको क्लास नाइन का करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो भी आपका मीडियम है उसको आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे हिंदी मीडियम कर देता हूँ एंड यहाँ पर देखिए सारी हिंदी मीडियम की बुक्स आ चुकी हैं। तो जो भी आपको डाउनलोड करना है उस पर आप क्लिक कर दो। सपोज़ करो मैं इस पर कर देता हूँ, कुमार भारती हिंदी। तो यहाँ पर हमारा बुक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर डाउनलोड हो रहा है, देखिए आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से आप इजीली कोई भी बुक को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये आपके इंटरनेट पे स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितना समय लगेगा बुक को डाउनलोड होने में। जितना आपका नेट फास्ट रहेगा उतना फटाफट से बुक डाउनलोड हो जाएगा। इस तरीके से आप इजीली स्टडी कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ ना, जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो देखिए क्वेश्चन आंसर्स के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है, देख रहे हो सॉल्यूशंस, इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखो मैं आपको पहले ही बोलना चाहूँगा, इस ऐप में बस अभी खाली क्लास सिक्स से लेकर क्लास टेन तक के ही आंसर्स अवेलेबल हैं, बट बहुत ही जल्दी इसमें सारे आंसर्स अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, सपोज़ करो आप क्लास सिक्स में पढ़ते हो तो आपको इस पर क्लिक करना है। मैं क्लास सेवन का करके दिखाता हूँ। ओके, क्लास सेवन पर मैंने क्लिक करा तो देखो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं क्लास सेवन के आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अगर आपको जियोग्राफी की डाउनलोड करनी है क्वेश्चन आंसर्स, तो जियोग्राफी पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखो आपको चैप्टर वाइज सारे मिल जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर जो है ना आपका ज्योग्राफी का, इसमें नहीं है उसका आंसर, मे बी शायद कुछ इश्यू होगा, बट वो भी अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो देखो चैप्टर वाइज यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको चैप्टर फोर का चाहिए इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखो आपका जो आंसर है यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। देखो जो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर इधर है, क्वेश्चन नंबर टू का है, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है ना सेम उसी तरीके से यहाँ पर पूरा उसका आंसर अवेलेबल है। ओके गाइस, मैं आपको और दिखा देता हूँ किसी और क्लास का। अगर आप क्लास एट में पढ़ते हो तो आपको इस पर क्लिक करना है, और फिर जो आपके सब्जेक्ट हैं वह उसको आपको चूज़ करना है। अगर आपको हिस्ट्री का अच्छी है हिस्ट्री पे क्लिक करो। यहाँ पर देखो आपको चैप्टर वन से लेकर के पूरा चैप्टर फोर्टीन तक सारा इसमें आंसर्स अवेलेबल है। मैं आपको चैप्टर वन का टू का करके दिखाता हूँ। देखो मैं चैप्टर टू पे क्लिक किया, यहाँ पे आपका PDF डाउनलोड होगा एंड यहाँ पर देखो आपका आंसर्स यहाँ पे अवेलेबल है। ओके गाइस, यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। देखो सपोज़ कर आपको हिंदी का चाहिए तो हिंदी पे क्लिक करो, जो भी आपके हिंदी के हैं देखिए इसमें सारे आंसर अवेलेबल हैं। देख लो
जैसे आपको टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिए रहते हैं उस तरीके से प्रॉपर एकदम लाइंस इसमें सारे आंसर्स हैं। मैंने आपको इतना दिखा दिया, अब मैं आपको बताता हूँ इस डाउनलोड वाला बटन है इसका क्या यूज़ है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखो जितने भी आपने बुक्स डाउनलोड करी है ना, आप डायरेक्ट उसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। जो भी आपने PDF डाउनलोड किया है सीधे आप क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। आपको बार बार डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपका बार बार इंटरनेट ख़त्म नहीं होगा, सिर्फ आपको एक बार डाउनलोड करना है और फिर उसको बार बार आप ओपन कर सकते हो। देखो मैं सपोज़ करो यहाँ पे करके दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, देखो जो मैंने PDF डाउनलोड किया था यहाँ पर ओपन हो रहा है। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखो मैंने इसको भी ओपन कर लिया यहाँ से। तो जो भी आपने डाउनलोड किया है ना PDF, यहाँ से आप सिंपली उसको ओपन कर सकते हो। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको बताया सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। बट फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपको पूरी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड में भी शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी इस ऐप के बारे में मालूम पड़े और वो भी इस ऐप को डाउनलोड करें और इसमें से अच्छे से वो भी पढ़ाई कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।